वहीं इसी कड़ी में नगर निगम और यातायात पुलिस द्वारा कुछ दिनों पूर्व हाईवे में सर्विस रोड के किनारे बेतरतीब ढंग से खड़े आवाजाही में बाधक बने वाहनों को हटाने के साथ चालकों पर कार्यवाही की गई थी। अब स्थिति जस की तस बन चुकी है। वहीं दोनों विभागों के अधिकारियों द्वारा अभियान बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे में सर्विस रोड के किनारे बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों को हटाने, वाहन मालिकों पर कार्रवाई करने यातायात पुलिस और नगर निगम प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया था। साथ ही कबाड़ हो चुके कंडम वाहनों को जब्त करने कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई बंद होते ही पुरानी गाड़ियों की खरीदी बिक्री में लगे ऑटोमोबाइल संचालकों ने फिर से चौपहिया वाहनों को सर्विस रोड में खड़ा करना शुरू कर दिया है, जिससे स्थिति फिर जस की तस हो चुकी है। हाईवे के किनारे सर्विस रोड पर चौपहिया वाहनों की भरमार हो चुकी है। ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यातायात पुलिस और नगर निगम के द्वारा भी पूर्व में हाईवेज में जो कबाड़ की गाड़ियां हैं, खराब पड़ी गाड़ियां को लगातार कार्रवाई की करके अभियान चलाया गया था। और कुछ स्थानों में यदि पुनः वाहन को खड़े किया जा रहा है या फिर उसको पार्क किया जा रहा है तो उसमें हम लोग निगम के साथ मिलकर पुनः उसमें कार्रवाई करेंगे। और सभी को निर्देशित किया गया है कि जो हाईवेज में गाड़ियां लगातार खड़े रहते हैं जिसके कारण जाम की स्थिति भी होती है और दुर्घटना की संभावना भी लगातार बनी रहती है, तो ऐसे वाहनों को हम लोग जब्ती भी कार्रवाई करेंगे। और अभी अभियान भी चलाया गया था और इसका काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिला था। यदि कुछ जगह में शिकायतें हमको मिलती है तो लगातार उसमें हम लोग कार्रवाई जरूर करेंगे। गौरतलब है कि हाईवे में ओवरब्रिज के निर्माण के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित रहती है। ऐसे में सर्विस रोड से आवाजाही करना भी परेशानी का सबब बन चुका है, जिस ओर अधिकारियों को ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।